नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्ट सिविलाइज। सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों मिशन 25 में जुटे हुए हैं। प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी कि जोधपुर के लिए गहलोत लगातार रणनीति बना रहे हैं। गहलोत का मकसद यही है कि जोधपुर सीट को रिकॉर्ड मतों से जीता जाए। इस प्रोग्राम में आज हम गहलोत की चुनावी रणनीति की बात करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल कहां कहां चुनावी सभाएं हैं। साथ ही बात होगी सोशल मीडिया की भी और बताएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर जनता के लिए क्या कुछ संदेश देते हुए नजर आए। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतने के लिए जहां चुनाव की घोषणा होने के साथ ही गंभीरता से सक्रिय हो गए, वहीं जोधपुर सहित संभाग की चारों सीटों को रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए रणनीतिकार के रूप में काम करते हुए पिछले 24 घंटों में 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करने के साथ फीडबैक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 में जुटे हैं, तो वहीं जोधपुर संभाग की चारों सीटों को रिकॉर्ड मतों से जिताने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान 24 घंटे में गहलोत ने 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं के साथ मंत्रणा की और जरूरी निर्देश भी दिए, तो वहीं जोधपुर के स्टील भवन में शहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों से गंभीर चर्चा की। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कई मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा भी गहलोत ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। गहलोत ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी 2 साल से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर मीडिया हाउस अधिकारियों और राजनेताओं के फोन टैप करवाने का भी आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि राफेल बड़ा मुद्दा है, सरकार के पास जवाब होना चाहिए। जवाब ना पार्लियामेंट के अंदर आया और ना ही बाहर आया। इसका जवाब देश मांगता है, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं और ना ही रक्षा मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ और उम्मीद है कि जहाँ पर आरोप लग रहे हैं उसकी तह तक सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नोटबंदी जिस प्रकार से नोट बिखरे जा रहे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे चुनाव के अंदर, बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग, और कहाँ इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, उद्घाटन हो गया इनका जो ऑफिस है बीजेपी हेडक्वार्टर, वो वहाँ शिफ्ट होने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही पूछने लगे था ये कहाँ ही कल्चर लेके आ गया आप लोग। इस दौरान गहलोत ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार आने पर नोटबंदी की जांच करवाई जाएगी। नोटबंदी में बीजेपी नेताओं ने काले धन को सफेद किया है। मौजूदा समय में जिस प्रकार से चुनावों में पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साफ होता है कि नोटबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ। न ब्लैक मनी खत्म हुई, न आतंकवाद खत्म हुआ, न नक्सलवाद की कमर टूटी, और जो ब्लैक मनी थी वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गई। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से, और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो, अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं डीमोडराइज करने के लिए। पैसे का मूवमेंट तो चुनाव होता है, तभी तो चुनाव लड़े जाते हैं। 5 लाख रुपए लेकर के कोई चलने की यार स्थिति में नहीं है, क्या व्यापारी हो, उद्यमी हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो, पता नहीं 5 लाख में लेके जाऊंगा बांटने के लिए मजदूरों को, रास्ते मेरा खुद का क्या होगा। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। इनकी चाल भी सामने आ गई है, चरित्र भी सामने आ गया है और चेहरा भी सामने आ गया। फाइव स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर का दिल्ली में उद्घाटन हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही पूछने लगे कि ये कौन सा कल्चर लेकर आए हैं आप लोग, ऐसे ही भवन इनके पूरे देश में बने हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्रियों के मिलने वालों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। बहुत खराब स्थिति में देश चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह षड्यंत्र करके लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मोदी जी अमित शाह जी के षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें लगाई गई है जो कि युवा में गलतफहमी पैदा करो, झूठ का प्रचार करो, भ्रम पैदा करो, नंबर एक। नंबर दो, जो ये गुमराह करे देश को राष्ट्रभक्त की राम नाम पर, मतलब इनके पास में उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है कि पांच साल में हमने क्या उपलब्धि करी, कितना लाभ मिला। गहलोत ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीजेपी में शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि ये उनकी अंतरात्मा का मामला है, इस पर किसी तरह का कमेंट नहीं करना चाहता। हम व्यक्ति की फ्रीडम पर विश्वास करते हैं, जो जहां जाना चाहे जाए, देश का हित सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। अब बैसला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरी कार्यक्रम किसी मिलते हैं तो उस ढंग से वो ज्वाइन करें, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं, जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, ये मेरा कहना। मीडिया से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी और शहर विधायक मनीषा पवार की मौजूदगी में एक एक वार्ड को लेकर की जा रही तैयारियों का फीडबैक लिया और बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए निर्देश दिए। वहीं स्टील भवन पहुंचते ही जोधपुर के कांग्रेस की विचारधारा वाले व्यापारियों ने गहलोत का जोरदार स्वागत किया। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। वहीं जोधपुर लोकसभा सीट को रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए सूबे के मुखिया रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने दो दिनों तक जोधपुर में रहकर जिस तरह मंथन करने के अलावा बूथ मैनेजमेंट को और मजबूत किया और सीट निकालने के लिए जो संदेश दिया है, उसके लिए बाकायदा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि जोधपुर की सीट रिकॉर्ड मतों से ही जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सबसे हॉट सीट जोधपुर को रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर शहर की हथाइयों और फलौदी के सट्टा बाजार से लेकर चाय की थड़ियों पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सघन जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जोधपुर में मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत और भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिनों तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जिस तरह से कुशल रणनीतिकार की तरह मंथन किया, उसके कई मायने हैं। गहलोत ने जोधपुर के शहर सरदारपुरा और सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं से चर्चा करने के साथ सभी को जो संदेश दिया है, उसके भी कई मायने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर मिशन 25 पर है, तो वहीं जोधपुर संभाग की सभी सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जिताने की रणनीति बना रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पुखराज पाराशर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के अलावा और मुस्तैदी से जुटने का संदेश दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो आज गहलोत साहब ने वार्ड अध्यक्षों से जो निचले स्तर की जो हमारी इकाई है उनके अध्यक्षों के साथ में माइनॉरिटी बिल्कुल
सूक्ष्म तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात की है। मैं समझता हूं कि इससे कांग्रेस के हमारे जो निचले स्तर की कही है उसमें जोश आएगा और वो भारी उत्साह के साथ में कांग्रेस का काम करेंगे। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा और बहुत पॉजिटिव सोच है लोगों की और हर कार्यकर्ता समर्पित है कांग्रेस के लिए और वो जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। जोधपुर के होटल रेडिसन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मंथन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से स्टील भवन में चर्चा करने के साथ जरूरी फीडबैक भी लिया और हर वार्ड और बूथ को मजबूत करने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने शहर विधायक मनीषा पंवार और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी को मॉनिटरिंग करने का संदेश दिया तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ साथ वार्ड अध्यक्षों को भी कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होटल फर्न में मुख्यमंत्री गहलोत ने ली, जहां कांग्रेस नेता हनुमान सिंह खांगटा, राम सिंह सांजू, पूनम व्यास और राजेंद्र सिंह सोलंकी से फीडबैक लिया गया। तो वहीं सुरसागर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक होटल पवित्रास में ली, जहां कांग्रेस नेता डॉक्टर अयूब खान और मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा कांग्रेस के अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घूमर होटल में पोकरण, लूणी, शेरगढ़, लोहावट और फलौदी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर मुस्तैदी से जुटने का संदेश दिया है। वार्ड के ऊपर प्रबंधन अच्छा होना चाहिए और वार्ड पे जो जैसे आपके बूथ एजेंट है, बाहर की टेबल पे जो बैठने वाले हैं और जो वोटर लिस्ट की पर्ची आती है वो घर घर पहुंचनी चाहिए और हमारा पैम्पलेट घर घर पहुंचना चाहिए ताकि मतदाताओं को हमारी जो कांग्रेस की नीति जो मैनिफेस्टो जो भी बनाया है वो हर बंदे तक पहुंचना चाहिए, उसको पढ़ के और वो कांग्रेस को वोट देने के लिए। अशोक गहलोत जी ने तो सिर्फ जो है वो जो कांग्रेस के जो बूथ के अध्यक्ष हैं और जो कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी रहे और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ वे एक बैठक करी और उस बैठक में जो है वो कांग्रेस की जो कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस के जो लोकसभा का जो घोषणा पत्र है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो है वो एक निर्देश या उसका जिसके इसके साथ में जो है जैसे हम जो है वो वार्ड वार्ड बूथ बूथ पर जा सके और जनता से मिल सके, उनको संदेश भी पहुँच सके और उनको जो है कांग्रेस को वोट देने के लिए मोटिवेट भी कर। सियासी लिहाज से अहम माने जाने वाले मारवाड़ की राजनीति के केंद्र जोधपुर की लोकसभा सीट पर पूरे प्रदेश और देश की नजर टिकी हुई है। सवाल ये नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का मुकाबला पिछली बार 4 लाख वोटों से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से है, बल्कि सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की प्रतिष्ठा का भी है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अत्यधिक नजदीकी माने जाते हैं। तो वहीं कांग्रेस संगठन को कई राज्यों में मजबूती देने वाले कुशल रणनीतिकार मुख्यमंत्री गहलोत के लिए भी ये सीट प्रतिष्ठा वाली है। खुद कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने 15 साल से सक्रिय रहकर जो प्रतिष्ठा कायम की है, सवाल उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखने का भी है। ऐसे में मुकाबला दोनों के बीच कांटे की टक्कर का रहने की उम्मीद है। राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर के 2 दिन के प्रवास में जिस तरह का जादू कांग्रेस जनों पर फेंका है उसका नतीजा क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि जिस तरीके से हर बार के चुनाव में गहलोत आते हैं और कार्यकर्ताओं को कुछ कुछ ऐसा मोटिवेशन का संदेश देकर जाते हैं जिससे चुनाव में फतेह हो ही जाती है, मगर शहर सुरसागर और सदापुरा के अलावा जोधपुर के तमाम जो 7 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से, विधायकों से जो चर्चा की गई है, वरिष्ठ नेताओं को जो संदेश दिया गया है, उसका परिणाम लोकसभा सीट को लेकर किस रूप में आता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे अशोक गहलोत एक बड़े रणनीतिकार रहे हैं, यही वजह है कि राहुल गांधी के बाद में जो सबसे बड़ा पता कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का, उस पद पर रहने के बाद में किसी सीट को निकालना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा मुश्किल वाली बात नहीं है। स्वर्गीय मोहन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुत्र और जोधपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत के पक्ष में आज से चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। सीएम गहलोत ने पावटा सी रोड पर सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से आयोजित बैठक को संबोधित किया और जीत का आशीर्वाद भी मांगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल नामांकन दाखिल कर दिया गया और आज चुनाव प्रचार का आगाज किया। पूरे चुनाव की पहली मीटिंग है ये, जब से कैंपेन शुरू हो रहा है, यही से शुरुआत करके मैं निकल रहा हूँ। तो पूरे हरिमोहन जी ने जब कल रात को कहा कि आपको खाली 5 मिनट राम राम करके निकलना है, तो मैं अभी वो मीटिंग भी शुरू हुई थी, भीड़ पड़ गई थी वहाँ मिलने वालों की। रमेश दादी जी ने आपको बहुत विस्तार से बात बताई, पिछले चुनाव में भी आपका आशीर्वाद मिला मुझे, उसी काल में मैं भारी बहुमत जीत के गया है आपका, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ये चुनाव बड़ा देश की तरक्की का फैसला है, जो लोग देश में समझ रहे क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं कि वास्तव में ना अच्छे दिन आए और ना वादे पूरे किए मोदी जी। वहीं मुख्यमंत्री जोधपुर में शास्त्री नगर भी पहुंचे, जहां उन्होंने शास्त्री नगर में वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर पुरोहित के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की और वरिष्ठ अधिवक्ता मुरलीधर का आशीर्वाद भी लिया। मुरलीधर पुरोहित वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित के पिता हैं। वहीं राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैसे तो 36 कौमों के लोग प्यार और मोहब्बत से रिश्ते से जुड़े हैं, लेकिन राजस्थान के दिव्यांग भी गहलोत को बड़ी आत्मीयता से अपना मानकर उनके प्रति किस तरह समर्पित रहते हैं, इसकी वानगी जोधपुर में देखने को मिली, जब दिव्यांग कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को जिताने के लिए घर घर जाकर पीले चावल बांटते नजर आए और बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों पीले चावल बांटने की शुरुआत कराई। होटल घूमर में दिव्यांगों के आग्रह पर गहलोत ने ये सब कुछ किया और होटल घूमर में देहात कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिव्यांगों ने पीले चावल बांटने की शुरुआत करने का आग्रह किया तो गहलोत ने दिव्यांगों द्वारा अपने साथ लिए पीले चावल बांटकर शुरुआत की। इस मौके पर संवाददाता राजीव गोड़ ने दिव्यांगों से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू उनके गृह जिले जोधपुर में सर चढ़कर बोलता नजर आया है। 40-45 साल की राजनीतिक जीवन में अगर अशोक गहलोत तो कुछ कमाया है तो वह है अपनापन और प्यार। खासतौर पे इन दिव्यांगों की बात करें, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, और आप देखिए कि किस तरीके से अशोक गहलोत से जो प्रेम है, अपनापन है, वो जताने के लिए खासतौर पे उनके जब पुत्र वैभव गहलोत चुनाव के मैदान में है तो उनके लिए आप देख सकते हैं कि पीले चावल, ये जो पीले चावल लेकर के आए हैं, ये कहीं ना कहीं ये पीले चावल पूरे मारवाड़ के अंदर जाकर बांटने की जो इनकी मेहनत है वो रंग क्या लाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से वैभव गहलोत का प्रचार जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पीले चावल देंगे, जिससे कि वैभव गहलोत को वोट देने के लिए घर से लोग आए और वैभव गहलोत को विजय बनाए। लेकिन अब ये तो जनता पर, मतदाता पर निर्भर करता कि वो वोट किसे देते हैं, लेकिन यहाँ जो दिव्यांग है उनसे बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे मंशा क्या है, क्या अगर इसकी बात करें तो क्या किस तरह की मंशा है आपकी इन सब के पीछे? हम चाहते हैं कि जो हमारे लाडले अशोक गहलोत जी के पुत्र हैं वैभव गहलोत जी, वो भारी मतों से जीत के और लोकसभा पहुँचें और हमारे दिव्यांगों की जो समस्याएँ उनको हल करें। क्या कहना है आपको, किस तरीके से आप मोटिवेट होते हैं अशोक गहलोत से, दिव्यांग जितने भी समाज के लोग? देखिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं राजस्थान के, वे बहुत ही संवेदनशील हैं हम विकलांगों के लिए और हमें समय समय पर जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं। आज जैसे हम यहाँ हैं तो हमें देखकर वो तुरंत खुद ही चलकर आ जाएंगे, हमें जाने के लिए किसी प्रकार की कोई अपॉइंटमेंट या कोई अनुमति की जरूरत नहीं, जैसे हमें वो देखते हैं तुरंत हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं और हमारी समस्याओं को जानते हैं। अभी हमने ये महसूस किया कि वैभव जी गहलोत उनके सुपुत्र जो इस वक्त हमारे लोकतंत्र के महापर्व के अंदर जोधपुर के अंदर आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके अंदर निशक्त जन हम सब भाई बहन मिलकर किस तरीके से उनको विजयी बना सकें, क्योंकि बहुत भारी संख्या में मतदाता आज निशक्त जन भी हैं और निशक्त जनों की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित भी होगी इससे, और साथ में आने वाले समय में ये भी महसूस किया जाएगा कि लोकतंत्र के अंदर निशक्त जन भी प्रत्याशी को चुन सकते हैं, हरा सकते हैं और उनको संसद के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। क्या लगता है ये पीले चावल बांटने से लगता है कि कम से कम लोगों के अंदर इस बात का एहसास होगा कि उनको वैभव गहलोत को वोट देना चाहिए? हम अपना कर्म कर्तव्य निभा सकते हैं कि लोगों को आग्रह करें कि भाई हमारे वैभव साहब को विजय बनाए संसद में। हमारे जो विकलांगों के पेंशन 750 रुपये नहीं मिलते थे, फार्म रिजेक्ट कर दिए जाते थे, आज उनको हर महीना 8 तारीख को 750 रुपये प्राप्त होते हैं। ये अशोक गहलोत के टाइम जी की बात है, अन्यथा चक्कर काटते रहते, हाई कोर्ट जाओ, यहाँ जाओ, ये करो, फार्म भरो, सब रिजेक्ट किए जाते थे। अब ऐसा नहीं है, सीएम साहब ने सबके लिए एकता, सबको पेंशन लागू की है, मैं उनका बहुत आभार जताता करता हूँ।
आपको क्या लगता है कि आप लोग पीले चावल बांटेंगे उससे वैभव गहलोत को वोट मिलेंगे? बिल्कुल जरूर मिलेंगे साहब। मैं ये चाहता हूँ कि दिव्यांग जो समाज है वो अशोक गहलोत ही समझ सकते हैं और दूसरा कोई नहीं समझ सकता साहब। बिल्कुल 10 साल से यही साहब। आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों के चेहरे पे जो भाव है वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि वो दिल से अशोक गहलोत के साथ है। और एक बैनर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये दिव्यांग भी मुख्यमंत्री का जिस तरह से बैनर लेकर के हमेशा साथ ही रहते हैं, ये बड़ी बात हो जाती है कि पीले चावल बांटने की जो बात है, आमतौर पर विवाह के वक्त पीले चावल बांटे जाते हैं मगर या सभाओं के वक्त होता है, मगर ये पीले चावल वोट के लिए ये अपने आप में दूसरी बात ये भी है कि लोकतंत्र में वोट देना बहुत ज़रूरी है उसका एक संदेश ये जो है ये जोधपुर के दिव्यांग समाज के लोग दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्वर्गीय भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। वहीं अब आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल का दौरा क्या रहने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बीकानेर जिले के लूणकरण सड़क के दौरे पर रहे जहां गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम गहलोत लूणकरसर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में सीएम की सभा होगी और पूर्व मंत्री वीरेंद्र बैनीवाल ने सभा स्थल का जायजा लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए गए। शुरुआत इसी से कर लेते हैं, ये दरअसल मुख्यमंत्री के ट्विटर पोल जो हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर 4 घंटे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। दरअसल आज अमेठी में उन्होंने एक रोड शो किया, नामांकन दाखिल किया और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में यहाँ के लोगों से प्यार और सम्मान का वर्षों पुराना नाता है। दरअसल चौथी बार राहुल गांधी यहाँ से लोकसभा के चुनाव में मैदान में है। इस दौरान नामांकन के दौरान की तस्वीरें उन्होंने शेयर की है जिसमें एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को जरा देखिए, इसमें आपको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा यानी कि परिवार के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उस रोड शो की तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने ट्विटर वॉल से ट्वीट की है। 824 लोगों ने लाइक किया, 197 लोगों ने इसको रीट्वीट किया और 54 लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं से नीचे आते हैं तो 10 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं, उम्मीद है कि जो आरोप लग रहे हैं उसके तह तक माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगा और देश को जानकारी मिलेगी कि वास्तव में क्या स्थिति है, देश हित में क्या होना चाहिए और क्या हुआ है। 1300 लोगों ने इसको लाइक किया, 323 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। इससे नीचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर वॉल पर लिखा जाता है, राफेल इतना बड़ा मुद्दा है जिसका जवाब देश मांगता है, लेकिन ना प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ना रक्षा मंत्री दे रहे हैं, घुमा फिरा कर बात जरूर कर रहे हैं। आज जिस रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। 3900 लोगों ने इसको लाइक किया है और 935 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है। इससे नीचे आइए, इससे नीचे लगभग 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं, आई कॉन्ग्रेचुलेट जस्टिस एस रविंद्रा भट्ट फॉर बिकमिंग द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट, माई बेस्ट विशेस टू हिम। रविंद्र भट्ट को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बनने पर मुबारकबाद यहां पर दी गई है और 1300 लोगों ने लाइक किया है, 244 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 35 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। फेसबुक वॉल भी जरा देखते हैं, फेसबुक वॉल पर आज मुख्यमंत्री सोशल समर्थकों को क्या कुछ संदेश देते हुए नजर आए हैं। 3 घंटे पहले JNVU के पूर्व शारीरिक शिक्षक निदेशक, पूर्व फुटबॉल कोच, पूर्व नेशनल लेवल रेफरी, खिलाड़ी एवं श्री महेंद्र सिंह हापा के पिता श्री लक्ष्मी राठौड़ जी से BGS कॉलोनी जोधपुर स्थित उनके निवास पर मिलकर उनकी हालचाल यहां पर जानी और फोटो यहां पर शेयर किए गए हैं, पोस्ट किए गए हैं। 73 लोगों ने इसको शेयर किया और 335 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। उससे पहले जोधपुर में ब्राह्मण समाज की मीटिंग के दौरान के फोटो पोस्ट किए गए हैं, इनको शेयर फेसबुक वॉल पर किया गया है, 287 लोगों ने इनको शेयर किया है, 571 लोगों ने इस पर कमेंट किया है। उसे नीचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी एक कमेंट यहां पर किया गया लेकिन वो दरअसल कल का है, आज का नहीं है। वहीं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, मसलन ट्विटर पर क्या कुछ ट्वीट किए गए और फेसबुक पर क्या कुछ पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए हैं। आरसीबी लाइंस में आज के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।